ये देखो कोको का भाई अलग ही चाम है, देखो दादी अम्मा के साथ कितने बैठ के फोटो खिंचा रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड लुकिंग एट देयर। या कोको, वो कोकोनट, कोको की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे एंड चारों तरफ देख लो भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग, और आप सभी लोगों को हर हर महादेव। अभी जहाँ जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे होटल रश्मि, जो कि ताजमहल से जस्ट कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था। अभी मॉर्निंग का करीबन 11:30-12 बज चुका है और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं ताजमहल की ओर। कोको ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक कोको, और बाइक भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये लोग रेडी हो रहे हैं। अब अभी वी आर नॉट श्योर कि हमें अलाउड होगा कि नहीं होगा अलॉन्ग विद द कोको, तो अभी बस जाके पता करते हैं कि वहाँ पे अलाउड है तो ठीक है, नहीं अलाउड है तो फिर जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल पे गाइस जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी कमेंट में हर हर महादेव लिखना। मिलते हैं आपको रास्ते में। कोको की सीट हो चुकी है गर्म, तो हमने कहा थोड़ा सा पानी डाल दिया था इस पर ताकि कोको के लिए ईजी रहेगा। तो फिलहाल हम लोग रूम से तो निकल के आ चुके थे रोड पे और हमने पता किया कि यहाँ पे जो है अगर आप डॉग्स के साथ आते हो पेट्स के साथ तो अलाउड नहीं है। बट उसके साथ साथ हमें एक अल्टरनेट मिला है बहुत ही प्यारा, जो हमने पता किया यहाँ के लोकल से, जहाँ पे आप जा सकते हो। आपको एक साथ दो दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, यमुना व्यू और ताजमहल व्यू पॉइंट भी है। तो बस अब वहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ से है 25 मिनट की दूरी पर, तो चलते हैं फटाफट आपको लेके चलते हैं और हम भी देखते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम दोनों चीज़ों के आनंद ले सकते हैं और कोको भी फन कर सकता है, क्योंकि जहाँ कोको नहीं वहाँ हम नहीं वाला हिसाब है भाई। ये देखो जी, ये चेक करो, ये यमुना जी का पुल क्रॉस कर रहे हैं हम अभी, जहाँ से हम जाएंगे अपने व्यू पॉइंट पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अब थोड़ा सा मौसम धूप सी हट गई है और ऑब्वियसली पानी का लेवल बढ़ा हुआ है इस समय यमुना जी का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगा अगर दिख रहा होगा तो। छाया में खड़ी कर दो बाइक, वो आ रहे हैं पीछे ना। बढ़ जाओ। कोको पहुंच चुका है फाइनली ताज व्यू पॉइंट पे। इधर आओ जल्दी से, पगला गया है। और ये देखो भाई साहब, ये रहा ताजमहल। इधर चलो जाओ, हैव फन। ये कोको ना। तो फिलहाल जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पे पहुँच चुके हैं और गर्मी तो यार थोड़ी बहुत हो रखी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रखी है एक्चुअली। तो ये देखो जिस पॉइंट पे हम आना चाह रहे थे वो पॉइंट यहाँ से, ताजमहल दोनों ही बहुत प्यारे दिखते हैं और साथ में यमुना जी भी, ये देखो एक फ्रेम में। और ये रहा हमारा कोको। कोको जंगल में क्या, इधर आ। तो अगर कभी आपको ताजमहल व्यू पॉइंट अपने पेट के साथ आना है, स्पेशली क्लोज टू ताजमहल, तो आप इधर आ सकते हो। काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे और कोई चार्ज नहीं है। तो फिलहाल तो कोको ने काफ़ी मस्ती की यहाँ पे, थक गया बेचारा। इधर आओ, बकरियाँ बिल्कुल नहीं दौड़ा रही, ठीक है, बहुत सारी बकरियाँ दौड़ा दी आज इसने कोको ने। अब हमारी बाइक वहाँ खड़ी है, तो बस अब हम लोग कोको और मैं इधर से धीरे धीरे इधर आ जा, यहाँ से निकलेंगे अब दिल्ली की ओर, क्योंकि इधर आओ कोको, गाय माता प्लीज़, चलो कोको मारेगी तेरे को भी। तो बस अब यहाँ से दिल्ली का सफ़र होगा तय, क्योंकि धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है यार इधर तो, और बाकी कई जगह तो कोको अलाउड नहीं है, तो रेड फोर्ट वाला एरिया कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। चल इधर। भाग। इधर आ, गाय माता दौड़ा रही है। ये देखो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, यमुना, रेड फोर्ट और ताजमहल। देखो छोटी छोटी बकरियाँ, कोको बड़ी वाली तेरे को बहुत मारेगी, नहीं छोटू सी बच्ची है वो। ओए इधर, अरे राजा जंप, ये इधर आओ,
कोकी नुकसान ले, यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, सुनाओ। गर्मी लग रही है इसको, ये देख लो कोको को गर्मी में, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं कोको को नहलाने में लगे हुए नल के नीचे। ये देखो सारे खड़े हैं कोको के फैंस सेल्फी लेने के लिए। बस बस कोको इतना मत नहा। ये देखो कोको का भाई अलग ही चाम है, देखो दादी अम्मा के साथ कितने बैठ के फोटो खिंचा रहा है। ये देखो कोको को हर जगह, बिल्कुल बिल्कुल कोको को तो हर जगह चलता है। तो भाई साहब हम लोग हो चुके हैं रेडी, और कोको आर यू रेडी, चलो चलो जंप जंप जंप, ये गुड बॉय, बैठ जाओ घूम के। तो कोको इज ऑल सेट, अब बस यहाँ से निकलते हैं। और भाई देखो कोको की फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे एंड चारों तरफ देखो भाई सारे लोग। ठीक है भाई लोगों, हर हर महादेव। बस अब यहाँ से निकलते हैं यार, हाईवे पकड़ते हैं, देखते हैं हाईवे में कितना टाइम लगेगा अभी। तो फिलहाल हम लोग आगरा से तो निकल आए, सिटी से जाना था हमने यमुना एक्सप्रेसवे से, पर हमें जीपीएस हमारा जो है इतने अच्छे हाईवे पे लेके आया है, हमारा जाम ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है। इतना जाम मिल रहा है कि भाई सिटी सिटी क्रॉस करके जा रहे हैं। और भगवान ने थोड़ी बहुत तो सुन ली, धूप है लेकिन बारिश हो रही है, अगर आप लोग कैमरे में देख पा रहे होंगे तो बारिश होने लग गई है। और ऑब्वियसली इट्स गुड थिंग कि चलो कोको के लिए फ़ायदा हो जाएगा, इट्स टू हॉट आउटसाइड टू बी वेरी ऑन स्काइज। तो बस अब यहाँ से थोड़ा आगे निकल के अच्छा ढाबा तो मिल जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि ऑब्वियसली यमुना एक्सप्रेसवे पे ढाबे तो अच्छे नहीं मिल पाते हैं जाते वक्त। तो अभी देखते हैं कहाँ खाना वाना खाते हैं, क्योंकि यार भूख लगी है बहुत ज़्यादा, और कोको ने भी कुछ नहीं खाया, हमने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, सिर्फ चाय और कोको ने पानी। चलो देखते हैं कहाँ पे अच्छा ढाबा मिलता है खाना खाते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं ढाबे पे खाना खाने, यहीं पे रुका था माँ भवानी ढाबा, तो लग रही थी भूख जैसा कि मैंने बोला था। और ये देखो कोको यहाँ बैठा हुआ है, ये लोग लस्सी पी रहे हैं, और लस्सी मंगाई है हमने। ये देखो अब खाना वाना खा के यहाँ से सीधे दिल्ली की ओर निकलेंगे, बाकी अगर कुछ होता है रास्ते में तो अपडेट करेंगे, वरना आप सीधे आपको घर मिलेंगे सीधे दिल्ली में। हल्का फुल्का कोको ने भी खा लिया दही और रोटी, भाई मज़ा आ गया उसको भी, तीन रोटियाँ दही, और हमने थोड़ा बहुत फ्राइड राइस खाया। अभी धूप हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड गर्मी तो है ही उसके साथ धूप के। तो बस अब यहाँ से जल्दी फटाफट कुछ 3.5-4 घंटे का रास्ता है घर तक का। देखो गाइस ये चेक करो भाई, ये चेक करो लौंडा, चेक करो हमारा लौंडा, ये चेक करो गाइस, वो मत चेक करो, ये चेक करो। ये देख रहे हो कैसा भीग भाग के बउआ बना बैठा है। और मौसम तो देख ही रहे हो, ये बुंदेलखंड वाला हाईवे है। हाँ और भाई साहब बादल देखो सर पे ही, बहुत ही प्यारे हैं। इधर 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 कोको वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड लुकिंग एट देयर, या कोको वो कोकोनट यू वेलकम बाय बाय। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं घर, यहाँ वो सामने रेड लाइट दिख रही है, वहाँ से राइट होके हम 2 मिनट में अपने घर पहुँच जाएंगे। मैं और कोको बहुत ही सेफ हैं, आराम से कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छे से वापस आ गए। आई होप आपको ये हमारे इस सफ़र में थोड़ा सा मज़ा आया हो, क्योंकि ये सफ़र थोड़ा सा अधूरा सा रह गया है, लेकिन लगता है कि बाबा की मर्ज़ी नहीं थी इस समय बुलाने की तो नहीं जा पाए, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे, फिर जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो डॉग लवर्स हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।